टॉपिक इज बेसिक शेप्स। तो बेसिक शेप्स कौन से आते हैं? सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल एंड ट्राइंगल। तो आज हमें क्या करना है, जो हमारा ड्राइंग का पेज है उसमें पहले मार्जिन ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने किया है मार्जिन, फोर साइड इक्वल मार्जिन ड्रॉ करने के बाद हमें पेज के इक्वल थ्री पार्ट करना है, ठीक है। तो थ्री पार्ट्स करने के बाद हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो थ्री पार्ट्स करने के बाद टोटल हमारे शेप्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आज हमें उनमें से कोई भी तीन शेप्स यहाँ पे ले रहे हैं और पेंसिल से वो शेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमें राउंड का यूज नहीं करना है, हाथ से ही सर्कल करना है। दूसरा हम यूज करेंगे सेमी सर्कल, और थर्ड हमें यूज करना है ट्राइंगल। ये तीन शेप्स ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे उसका प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पे पेज में प्रैक्टिस करने के बाद जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ रिपीट, वैसे भी आपको रिपीट करना है। ये रिपीट करने के बाद आपको क्या करना है, सर्कल के अंदर और छोटा सर्कल पेंसिल से ही प्रैक्टिस करना है। उससे छोटा सर्कल, उससे भी छोटा, और उससे भी छोटा। आपको जितना ओवरलैप करना है उतना ओवरलैप कर सकते हो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी शेप्स की। और जब भी आप ओवरलैपिंग कर रहे हो तो यहाँ पे स्पेसिंग इक्वल रहना वो ध्यान देना है, स्पेस इक्वल छूटना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो स्पेस है वो इक्वल छूटना चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। क्योंकि सारे ड्राइंग्स जो आते हैं वो शेप से ही ड्रॉ होते हैं, उसका बेस जो होता है वो शेप्स होता है। तो हमें पहले शेप्स की प्रैक्टिस करनी है और पेंसिल से करना है। पेंसिल से 1, 2, 3 टाइम प्रैक्टिस करने के बाद 4 टाइम हमें यहाँ पे पेंसिल से पहले ड्रॉ करना है,